Hello everyone, this is Sarthak Sharma. Welcome to Digimento. This is our lecture series on numerical aptitude. जैसा कि हम सब जानते हैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, चाहे वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो या केवीएस पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम हो, एलटी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, या कोई बैंकिंग या एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो. इन सभी एग्ज़ाम्स में एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट होता है जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आता है. आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है. तो इसी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को हम आपके लिए सिंप्लीफाई करेंगे. हम बेसिक क्वेश्चंस से लेकर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तक सब आपके लिए सॉल्व करेंगे. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं. कई लेक्चर्स में ऐसा होता है कि नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और डिविजिबिलिटी को एक ही टॉपिक में इंक्लूड किया जाता है, बट हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाई हैं. और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स स्टडी कर लेते हैं. ऑन अ ब्रॉड वे हम नंबर्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स. सो इमेजिनरी नंबर्स आर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव, अंडर रूट ऑफ माइनस सेवन, जहाँ पर हम आयटा सिंबल का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम इसे स्टडी नहीं करेंगे. दूसरा टाइप होता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के भी सब टाइप्स हैं, आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो जिन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मींस आप उन्हें किसी रेशियो में, किसी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें इरेशनल नंबर्स कहा जाता है. जैसे अंडर रूट टू और पाई. पाई की वैल्यू हम सिंप्लिसिटी के लिए 3.14 लिखते हैं, बट एक्चुअली ये नंबर आगे कंटिन्यू होता है. तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल होते हैं. और जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2, 3/4, ये सब वो नंबर्स हैं जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी रेशियो में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर्स को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज फ्रैक्शंस और इंटीजर्स. तो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 1/2, 3/4, ये सब नंबर्स यहाँ पर फ्रैक्शन हैं. और इंटीजर्स वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मींस जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स होते हैं. और इंटीजर्स के ही सब टाइप्स हैं आगे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. तो ये सभी, मींस फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर्स में आते हैं. और मेनली यहीं से आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं. तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स. n इज ग्रेटर देन 0, वेयर n इज एनी काउंटिंग नंबर. मींस 0 से बड़े जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. मींस जिन्हें हम नेचुरली अपने फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सब कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स. इसके बाद आते हैं होल नंबर्स. जब हम इन नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इस कैटेगरी को हम होल नंबर्स कहते हैं. मींस हम लिख सकते हैं दैट होल नंबर्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स में ही जब हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स. इसके बाद आते हैं इंटीजर्स. तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन नहीं है, वो सभी नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स भी इंटीजर्स के ही सब टाइप्स हैं. अब इंटीजर्स के फर्दर
और भी सब टाइप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इन्हें भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, मीन्स हम पॉजिटिव में ज़ीरो को ऐड नहीं करते हैं। और सेम इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और नेगेटिव इंटीजर्स में भी हम ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कह सकते हैं दे आर इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, तो दोनों में एक ही तरह के नंबर्स आते हैं, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अप टू माइनस वन। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ज़ीरो न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए ज़ीरो को हम ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐड करते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में ऐड करते हैं। इंटीजर्स के नेक्स्ट सब टाइप्स हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स वो सब इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं हैं, और हमने अभी स्टडी किया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 to infinity। तो इसका मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में वो सभी इंटीजर्स आएंगे जो पॉजिटिव में नहीं आए हैं। तो दिस मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक सभी नेगेटिव नंबर्स, और इस केस में हम ज़ीरो को भी साथ में इंक्लूड करेंगे बिकॉज ज़ीरो भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सेम इसी तरह से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव नहीं है, मीन्स सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और प्लस ज़ीरो। तो इसे हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होते हैं होल नंबर्स। तो ये सब सब टाइप्स हो गए हैं इंटीजर्स के। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नंबर ज़ीरो, आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और इट इज़ अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्लियरली आंसर सी होगा, ज़ीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, इट इज़ अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स में चलते हैं, इवन नंबर्स। तो एनी नंबर जिसे हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, उन सभी इंटीजर्स को, उन सभी काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी इवन नंबर्स हैं। या फिर हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी भी डिजिट का नंबर हो, 2 digit number या 3 digit number, अगर उसके यूनिट प्लेस में, मतलब लास्ट जो पोजीशन है यहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट यूनिट प्लेस पर आता है तो वो नंबर इवन नंबर होगा, बिकॉज अगर उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि 0 भी इवन नंबर कहलाता है। तो ये एक डिबेट का टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो मेक इट अ थंब रूल, 0 इज एन इवन नंबर। अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 ही आएगा, बिकॉज 0 इज नथिंग, आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो नथिंग, 0 ही आएगा फिर से। तो रिमाइंडर 0 है, इस वजह से इवन 0 भी इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स है ऑड नंबर्स। तो जो नंबर इवन नहीं है वो ऑड नंबर्स हो जाते हैं, मींस अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उस केस में वो नंबर बन जाता है ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी कहलाएंगे ऑड नंबर्स। या फिर हम स्पेसिफिकली भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और आपके पास रिमाइंडर 1 आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये एक ऑड नंबर है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स।
सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स ओनली अपार्ट फ्रॉम वन, तो वो नंबर्स जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वन और उस पर्टिकुलर नंबर के अलावा उनका और कोई भी फैक्टर नहीं है, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 29, ये सभी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स. तो इन नंबर्स के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स आएंगे, एक तो वन आएगा और एक वो नंबर खुद होगा, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. यहाँ पर भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि नंबर वन, वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज अगर आप वन के फैक्टर करेंगे तो सिर्फ वन आएगा. और हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक वो नंबर खुद. तो वन के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए वन को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है टू, बिकॉज आप टू के अगर फैक्टर्स करेंगे तो दो फैक्टर्स आएंगे, वन और टू. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स. सो अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवाइजर और वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ. तो ऐसे नंबर्स जिनका वन और उस नंबर जो खुद है उसके अलावा मिनिमम एक और फैक्टर होना चाहिए, मींस मिनिमम थ्री फैक्टर जिस भी नंबर के हैं इंक्लूडिंग वन एंड द नंबर इट्सेल्फ, वो नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स. और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल द नॉन प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन, वन से बड़े जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स हैं वो सभी आते हैं कंपोजिट नंबर्स में. फॉर एग्जांपल नंबर 4, 6, 8, 9, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 8 को लेते हैं तो इसका एक तो फैक्टर 1 है और 8 है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट इसके अलावा 2 और 4 भी इसके फैक्टर्स हैं. तो हमें मिनिमम बस एक ही नंबर और चाहिए, एक ही फैक्टर चाहिए ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है. सो 8 इज अ कंपोजिट नंबर. यहाँ पर भी तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि नंबर जो 1 है वो ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स हैं को प्राइम नंबर्स. तो टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम्स इफ़ देयर एच सी एफ इज़ 1. तो एच सी एफ हम बाद में लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, अभी आप ये याद रख सकते हैं एच सी एफ इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कोई भी दो नंबर जिनका मैक्सिमम सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो 1 ही हो, 1 से बड़ा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन दो नंबर का, उस पेयर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 ये दोनों को प्राइम्स हैं, बिकॉज अगर आप 2 और 3 का फैक्टर देखेंगे तो ग्रेटेस्ट फैक्टर इनका 1 है, 4 और 5 का भी 1 है, या आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर लेंगे जैसे 13, 14 या 20, 21, सारे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, बिकॉज उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है. या फिर अगर हम फॉर एग्जाम्पल दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं जैसे 7 और 11, इनका भी हाईएस्ट जो फैक्टर है, लार्जेस्ट फैक्टर है, वो 1 ही होगा, तो ये भी कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं वेदर अ गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये कैसे चेक करें. तो अगर कोई भी छोटा नंबर है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल 23 और 29, तो ये नंबर्स तो हम देख करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं, बिकॉज ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है इनका. बट अगर कोई बड़ा नंबर आता है, मींस हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में कोई नंबर हो, उस केस में स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि वो सभी नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 3, 4 सभी नंबर्स से उसको डिवाइड करके देखते हैं, और अगर वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा. तो
ये चेक करने के लिए कि ये गिवन नंबर प्राइम है या नहीं, एक डिफाइंड मेथड है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 191 के लिए हम चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर से बड़ा जो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर आएगा हम वो नंबर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 191 नंबर है तो इससे नेक्स्ट जो कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है वो है 196। हमें पता है कि 196 14 का स्क्वायर है, तो 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस 196 नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे, मींस अंडर रूट 196 विच गिव्स अस 14। तो 14 हमारे पास एक नंबर आ गया। तो 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, तो यही 6 नंबर्स हैं जिनसे हमें 191 को डिवाइड करके देखना है, अगर हमें पता लगाना है कि 191 एक प्राइम नंबर है या नहीं। इनके अलावा और किसी भी नंबर से हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 191 हम डिविजिबिलिटी इसके बाद लेक्चर्स में करेंगे, बट मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ यहाँ पर कि 191 ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, 5, 7, 11, 13, इन किन्हीं भी नंबर से 191 डिवाइड नहीं होता है। इसी वजह से 191 इज़ अ प्राइम नंबर। बट यहीं पर अगर हम 187 का एग्जांपल लेते हैं, तो 187 के लिए भी नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 196 ही होगा, फिर से स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा, और यही सेम नंबर्स हैं जिनसे हम 187 को डिवाइड करके देखेंगे। तो 187 2, 3, 5, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट अगर हम 187 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 11 × 17 इज़ 187। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, मीन्स 187 के फैक्टर्स 1 और 187 तो है ही, बट इसके अलावा एक और फैक्टर 11 भी इसका एक फैक्टर है, तो ये अब एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स का। फ्रेंड्स, जो सिंपल डेसिमल्स होते हैं या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं, उन्हें तो हम इजीली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डेसिमल है 0.234, तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम न्यूमरेटर में ये नंबर रखेंगे और डिनोमिनेटर में जितने डेसिमल्स थे उतने ज़ीरोज यूज़ करेंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा डेसिमल से। बट अगर कोई रिकरिंग डेसिमल है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर गिवन है 0.33333 और ये 3 कंटिन्यू होता है अप टू इन्फिनिटी, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट है वो बार बार आती है, रिकरिंग होती है, इसीलिए इसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करने का एक पर्टिकुलर मेथड है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 0.33333 है, तो इस नंबर को हम 0.3 बार लिख सकते हैं। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका ये है कि जो भी रिकरिंग नंबर होता है उसे हम सिंपली न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जितनी भी डिजिट्स रिकरिंग है, जैसे यहाँ पर 3 ही इकलौता नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही रिकरिंग डिजिट है, तो जितनी रिकरिंग डिजिट्स होती हैं उतनी बार हम डिनोमिनेटर में 9 लिखते हैं। तो 3/9 हमारा आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1/3। इसी तरह से अगर हमें 0.2727 और ये 27 आगे कंटिन्यूड है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखिए 0.27 बार हम इस डेसिमल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं जो रिकरिंग हैं, तो हम न्यूमरेटर में 27 को रखेंगे और डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं जो रिकरिंग है, तो हम 2/9 यहाँ पर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 27/99 विच इज़ इक्वल्स टू 3/11, तो ये हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का केस, जिसमें कुछ डिजिट्स डेसिमल के बाद ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं और कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये केस लिखेंगे तो यहाँ पर 0.2
26 बार हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो ये एक मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने का जो मेथड है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस केस में हम सबसे पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो न्यूमरेटर में पहले तो हम इस नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, और इसमें से जो नॉन रिकरिंग डिजिट है, यहाँ पर 2 नॉन रिकरिंग है जो रिपीट नहीं हो रही है, उस डिजिट को हम इसमें से माइनस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में फिर से जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने तो हम 9 लिखेंगे, और जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 ही इकलौती डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, उतने हम यहाँ पर 0 यूज़ करेंगे नीचे 9 के आगे। तो इस केस में 24/90 हमारा आंसर आएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे ये केस है तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.3268 बार। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इस पूरे नंबर को न्यूमरेटर में लिखेंगे 3268, इसमें से हम माइनस करेंगे वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 32 रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर 32 इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद 2 डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं 6, 8, तो उनके लिए हम 2, 9 डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, और 2 ही डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं भी हो रही हैं 3 और 2, तो इसके लिए हम 2 ज़ीरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 3236/9900 ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसे हम बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये है रिकरिंग डेसिमल्स का केस, जो कई एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो किसी भी नंबर को हम फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है 123, तो इसमें अगर हम फेस वैल्यू की अगर हम यहाँ पर पहले बात करते हैं, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू मीन्स जो दिखता है उसे एज इट इज़ लिखना। तो यहाँ पर 3 जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू 3 ही होगी, जो 2 है उसकी फेस वैल्यू 2 होगी, और जो 1 है उसकी फेस वैल्यू 1 होगी। तो फेस वैल्यू का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी नंबर में उसकी डिजिट्स का सम गिवन हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपके पास एक नंबर है और उसकी डिजिट्स का सम आपको गिवन है, तो वो आप डायरेक्टली a+b+c इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 123 अगर नंबर है और इसकी डिजिट्स का आपको सम निकालना है, तो वो डायरेक्टली 1+2+3=6, ये आपके डिजिट्स का सम आएगा। इसी नंबर 123 को आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो जब हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कंसेप्ट आता है यूनिट्स प्लेस का, टेंस प्लेस का, हंड्रेड्स प्लेस का। तो अगर नंबर 123 है तो ये इसकी यूनिट प्लेस है, ये इसकी टेंस प्लेस है, और ये इसकी हंड्रेड्स प्लेस है। तो यूनिट प्लेस में जो 3 की प्लेस वैल्यू होगी वो तो 3 ही रहेगी, बट 2 की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज 2 टेंस प्लेस पर है। तो टेंस प्लेस पर है इसलिए हम इसमें 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। सेम इसी तरह से 1 हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 1 में हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर अज्यूम करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू अज्यूम अ 3-डिजिट नंबर, तो अगर आप 3-डिजिट नंबर एक अज्यूम कर रहे हैं तो, और a, b, c उसकी डिजिट्स हैं, तो उस केस में आप उसको 100a+10b+c इस फॉर्म में हमेशा अज्यूम करते हैं। अगर आपको कोई भी 2-डिजिट नंबर अज्यूम करना है तो उसमें हंड्रेड्स प्लेस तो नहीं होगी, तो अगर ए और बी सिर्फ 2 ही उसकी डिजिट्स हैं, तो उस केस में 10a+b आप उस 2-डिजिट नंबर को अज्यूम करेंगे। सेम इसी तरह से अगर 4-डिजिट नंबर है तो वो हो जाएगा 1000a+100b+
10C प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपका फोर डिजिट नंबर। तो इस तरह से आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। और इसे समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 63, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर एक टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले उस टू डिजिट नंबर को अज्यूम करेंगे एज 10A प्लस बी, ये हमारा वो टू डिजिट नंबर होगा। नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, जब सम ऑफ डिजिट्स की बात हुई है तो हम फेस वैल्यू के कंसेप्ट को यूज करेंगे, जो डायरेक्टली जो ए और बी है वही उनकी फेस वैल्यू होगी। तो हमें गिवन है दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 63। तो अगर इसी नंबर की डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, तो हमने नंबर को अज्यूम किया है एज 10A प्लस बी, अगर इसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं तो नंबर बन जाएगा 10B प्लस ए, और ये हमें गिवन है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 63 के इक्वल। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10A माइनस ए हो जाएगा 9A और B माइनस 10B हो जाएगा माइनस 9B, तो 9A माइनस 9B इज इक्वल्स टू 63, और यहाँ से आ जाएगा A माइनस B इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, A प्लस B इज इक्वल्स टू 9 एंड A माइनस B इज इक्वल्स टू 7। तो हम यहाँ से A और B की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 16, तो A की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो A मींस 8 प्लस B इज इक्वल्स टू 9, तो B इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास A और B की वैल्यूज आ गई हैं। तो अगर अब हमें नंबर को निकालना है, तो हमने नंबर इनिशियली एज्यूम किया था 10A प्लस B, तो हम यहाँ पर A और B की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 10 इंटू 8 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 81। तो 81 वो नंबर है जिसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो सम 9 आएगा, और अगर आप उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे और ओरिजिनल नंबर से माइनस करेंगे, मीन्स 81 माइनस 18 जब आप करेंगे तो आंसर 63 आएगा। सो 81 हमारा यहाँ पर आंसर है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ द प्लेस ऑफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर आर इंटरचेंज्ड, अ न्यू नंबर ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 72 इज ऑब्टेंड। तो यहाँ पर हमें थ्री डिजिट नंबर एज्यूम करना है, तो सबसे पहले हम 100A प्लस 10B प्लस C, ये एक थ्री डिजिट नंबर अज्यूम करेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो लास्ट टू डिजिट्स हैं, मींस 10B प्लस C, इन डिजिट्स की बात हो रही है, अगर ये इंटरचेंज हो जाती है, मींस 10C प्लस B बन जाता है, तो द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 72। तो सिर्फ 10B प्लस C इस डिजिट को हमें रिवर्स करना है, तो 100A जो हंड्रेड्स प्लेस है वो एज इट इज रहेगी, टेंस प्लेस बन जाएगी सी, तो 10C और यूनिट प्लेस पर चला जाएगा बी। और क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 72 आना चाहिए। तो जब हम माइनस करेंगे इन टर्म्स को, तो हंड्रेड्स जो प्लेस है वो डायरेक्टली कैंसिल हो रही है, 10B माइनस बी हो जाएगा 9B और सी माइनस 10C हो जाएगा 9C, तो 9B माइनस 9C इज इक्वल्स टू 72, और हम 9 कॉमन ले लेंगे तो B माइनस C इज इक्वल्स टू 72 बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 8। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, सो द डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8, 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 147 टू द पावर 48। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, तो 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, तो यहाँ 16 आएगा। उसके बाद 7 × 6 = 42, 4 कॉमन, एंड 7 × 5 = 35, सो 39। मीन्स यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है उसमें 8 ही रहेगा। मीन्स अगर आपने सिर्फ 6 और 3 को ही मल्टीप्लाई किया होता, अगर आपको यूनिट प्लेस ही निकालना था, तो अगर आपने सिर्फ यूनिट प्लेसेस को ही मल्टीप्लाई किया होता तो भी आपके पास आंसर आ जाता। मीन्स जैसे आपको 147 टू द पावर 48 अगर कैलकुलेट करना है, तो आप 147 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 टाइम्स। इसका मतलब अगर आपको यूनिट प्लेस ही निकालनी है, तो अगर आप 7 को 48 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। मींस 7 टू द पावर 48 के यूनिट प्लेस में सेम डिजिट होगी जो 147 टू द पावर 48 के यूनिट प्लेस में होगी। नेक्स्ट थिंग इज, जब भी हम किसी भी नंबर की पावर्स कैलकुलेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड है जो फॉलो किया जाता है, और उसी ट्रेंड का हम यूज़ करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 0 आता है या 1 आता है या 5 या 6 आता है, ऐसे नंबर्स की पावर कुछ भी हो, पावर से फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 का केस कंसिडर करें तो 6² 36 होगा, 6³ 216 होगा। मींस आप देख सकते हैं कि यूनिट प्लेस में हमेशा 6 ही रहेगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 126 टू द पावर 41, अगर ये क्वेश्चन है तो आप इजीली सिर्फ ये देख सकते हैं कि भाई यूनिट प्लेस में 6 है और इसकी पावर 41 आपको निकालनी है, और 6 की पावर्स हमेशा सेम रहती है, यूनिट प्लेस में 6 ही रहेगा, तो हमेशा आंसर 6 ही आएगा इस केस में। इसी तरह से 0, 1, 5 और 5 का भी केस है। तो इन चार के लिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी पावर आएगी, तो अगर यूनिट प्लेस में 0, 1, 5 या 6 में से कोई डिजिट है तो वो डिजिट चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ आपका आंसर आ जाएगा। इनके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का, यहाँ पर 2 की पावर्स का एग्जांपल लेंगे, तो 2 to the power 1 is 2, square is 4, देन 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन। तो ये सब पावर्स हैं 2 की पावर्स। तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि हर 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होती हैं। मींस जो 2 to the power 1 में जो वैल्यू थी यूनिट प्लेस में, वही सेम है 2 to the power 5 में भी। जो 2² में थी वही 2 to the power 6 में भी सेम यूनिट प्लेस में डिजिट है। मींस हर 4th पावर के बाद ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी यूनिट प्लेस में 2 है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन है 142 टू द पावर 40 यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, तो इस केस में हम इस नंबर को, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और हमें पता है कि दैट 40 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब जो आपकी यूनिट प्लेस आएगी 2 to the power 40 में, वही सेम यूनिट प्लेस आएगी 2 to the power 4 में भी, बिकॉज 40 भी 4 के मल्टीपल में आता है। तो इस केस में हमारी जो यूनिट प्लेस है उसमें आंसर 6 आ जाएगा, बिकॉज ये 2 to the power 4 की हम बात कर रहे हैं।
अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें रिमाइंडर बचता है, मींस अगर 142 टू द पावर 43 होता, इस केस में हम फिर से 43 को 4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस 3 रिमाइंडर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3 में जो यूनिट प्लेस आएगी वही सेम आएगी 2 टू द पावर 43 में भी, मींस 2 टू द पावर 3 इज 8, तो इस केस में हमारा आंसर 8 आ जाएगा। यही सेम ट्रेंड हम यूज़ करते हैं और सब क्वेश्चंस करने के लिए। आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि 2, 3 एंड 7 एंड 8, ये चार ऐसे नंबर्स हैं जो 4 का ट्रेंड यूज़ करते हैं। हर फोर्थ पावर के बाद इनकी वैल्यू जो है वो रिपीट होती है, और जो 4 नंबर है और 9 नंबर है ये 2 का ट्रेंड फॉलो करते हैं। हर सेकंड पावर के बाद इनकी वैल्यूज़ रिपीट होती है। इस चीज़ को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम इजीली इसे समझ सकते हैं। तो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, हमें सॉल्व करना है 147 टू द पावर 48, मींस हमें पता लगाना है 7 टू द पावर 48 के यूनिट प्लेस में क्या आएगा। इसके लिए हम 7 का ट्रेंड यहाँ पर निकालेंगे, तो 7 टू द पावर 1 7 है, 7 स्क्वायर के लिए हम 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, मींस यूनिट प्लेस में 9 आएगा। अगर हम 7 क्यूब करेंगे तो हम इस 9 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 7 इज 63, मींस 3 यूनिट प्लेस में आएगा। और 7 टू द पावर 4 जब हम करेंगे तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 इज 21, तो 1 यूनिट प्लेस में आएगा। और जब 7 टू द पावर 5 में जाएंगे तो 1 इंटू 7 इज 7, तो ये फिर से रिपीट हो गया, मींस 7 के बाद रिपीट होता 4, हर फोर्थ पावर के बाद रिपीट होता है। तो हम इस पावर को 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और ये यहाँ पर कम्प्लीटली डिविजिबल है 12 टाइम्स, तो 48 इज कम्प्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब जो 7 टू द पावर 4 के यूनिट प्लेस में आंसर आएगा वही आएगा 7 टू द पावर 48 के भी यूनिट प्लेस में, मींस यहां पर डेफिनेटली आपका आंसर 1 ही होगा। एक और एग्जांपल यहां पर हम सॉल्व करते हैं जिससे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो अपना क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मींस हमें 2 टू द पावर 48 इंटू 4 टू द पावर 161 इंटू 6 टू द पावर 162 इंटू 8 टू द पावर 243, इस मल्टीप्लीकेशन सम का हमें यूनिट प्लेस निकालना है जो कि सेम होगा इस टोटल मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो पहले हम 2 का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तो ये फर्स्ट पावर 2 होगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर से 32, मींस 4 का ट्रेंड यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो हम 48, हमें 48 पावर निकालनी है, तो हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो 2 टू द पावर 4 के यूनिट प्लेस में आएगा वही 2 टू द पावर 48 के भी यूनिट प्लेस में आएगा, जो कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा। जब हम 4 टू द पावर 161 की बात करेंगे तो 4 2 का ट्रेंड फॉलो करता है, मींस 4 टू द पावर 1 इज 4, देन कम्स 16, देन कम्स 64, 256, तो यहाँ पर हर सेकंड पावर के बाद ट्रेंड रिपीट हो रहा है। तो हम इस केस में 161 को 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 2 का ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो ये यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा, मींस जो 4 टू द पावर 1 क्या यूनिट प्लेस होगा वही होगा 4 टू द पावर 161 का भी यूनिट प्लेस, जो कि इक्वल होगा 4 के। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है 6 टू द पावर 162, तो 6 का हमें ट्रेंड पता है वो हमेशा सेम रहता है, तो इस केस में तो 6 ही यूनिट प्लेस में रहेगा चाहे पावर कुछ भी हो। 8 टू द पावर 243 हमें निकालना है, तो हम 8 का ट्रेंड देख लेते हैं, 8 टू द पावर 1 इज 8, देन कम्स 64, देन 8 इंटू 4 इज 32, तो यूनिट प्लेस में 2 आएगा,
देन 8 इंटू 2 इज 16, तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा, एंड 8 इंटू 6 इज 48, तो यूनिट प्लेस में फिर से 8 आ जाएगा. मीन्स 4 के बाद ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है. हमें 8 टू द पावर 243 निकालना है, तो हम इस केस में फिर से 243 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 इंटू 6 इज 24, और यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच गया, तो 8 टू द पावर 3 का यूनिट प्लेस सेम होगा 8 टू द पावर 243 के यूनिट प्लेस के, जो कि इक्वल है 2 के. तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, यहाँ से यूनिट प्लेस 2 आ जाएगा. इसका मतलब हमारा जो सम है वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है. 6 इंटू 4 मीन्स 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, इसके जो यूनिट प्लेस में आएगा वही आपका आंसर होगा. मीन्स 6 इंटू 4 इज 24, इंटू 6 इंटू 2 इज 12. तो इसका भी हम सिर्फ यूनिट प्लेस ही देखेंगे, 4 इंटू 2 इज 8. तो इस टोटल सम का आंसर 8 आएगा. इस पूरी मल्टीप्लिकेशन सम के यूनिट प्लेस में 8 आएगा. आई होप इस क्वेश्चन से अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ, और इसके आगे हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे.